हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल है और इसके पहले मैंने दो पार्ट बनाया हुआ, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम हेयर एंड जो क्लॉथ्स है उनको ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम हेयर ड्रॉ करेंगे एंड हेयर ड्रॉइंग के लिए मैं यहाँ पे तीन शेड्स को यूज़ करने वाला हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ 4B, सेकेंड इज़ 6B एंड देन उसके बाद सबसे डार्केस्ट वैल्यूज़ के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 10B पेंसिल। अभी हेयर ड्राइंग करते समय आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज़ जो आपके हेयर का डायरेक्शन है वो, एंड द सेकेंड वन इज़ आपके पेंसिल के ऊपर प्रेशर। सो हेयर ड्रॉ करते समय आपको उसी डायरेक्शन में पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाने हैं जिस डायरेक्शन में आपके हेयर का फ्लो है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लेफ्ट टू राइट फ्लो है और इसी की वजह से मैं जितने भी मेरे पेंसिल के स्ट्रोक्स है अभी लेफ्ट टू राइट लगा रहा हूँ। एंड इसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और जितने भी डार्केस्ट वैल्यूज है उनको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको लेयर बाय लेयर जाना तो वो भी आप कर सकते हो। अभी इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ ड्राई ब्रश एंड इसके बाद हम इंडेंटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे सो दैट जो इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड्स है उनको हम ड्रॉ करें और अच्छा सा एक रियलिस्टिक इफेक्ट उसमें दे सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आई सजेस्ट कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से एंड्रॉइड के ऐप डाउनलोड करो एंड वहाँ पे मेरे जितने भी वीडियोस है उनका रियल टाइम वर्जन आप देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से जल्दी वहाँ जाके डाउनलोड कर लो। सो लास्ट वीडियो में हमने जैसे बियर्ड को ड्रॉ किया था उसी हिसाब से अभी मैं हेयर को भी ड्रॉ करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ लीड पेंसिल। और जो लीड पेंसिल है उसके जो सामने वाला मेटल पार्ट है उससे मैं कुछ ग्रूव्स पेपर पे ऐड करूंगा। अभी हमारी इंडेंटेशन प्रोसेस हो जाने के बाद मैं उसको स्लोली ब्लेंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ ब्रश। जहाँ ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद अभी हम क्राफ्ट नाइफ लेंगे एंड जैसा हमने बियर्ड ड्रॉ करते समय स्क्रैच किया था वैसे ही स्लोली स्क्रैच करके हाइलाइट्स बनाएंगे। अभी हम शर्ट को ड्रॉ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे 10B एंड 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। जहाँ पे लाइट टोन्स है वहाँ पे मैं 2B पेंसिल का भी यूज़ करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं राइट पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 10B पेंसिल से जो भी डार्कनेस है उसको अचीव कर रहा हूँ। 10B की लेयर अप्लाई हो जाने के बाद मैं 4B से शेड करने वाला हूँ। अभी मैं इन दोनों लेयर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ ब्रश।
अब ये जो लेफ्ट वाला कॉलर है शर्ट का, वहाँ पे लाइट आ रही है जिसकी वजह से वो पोर्शन उतना ज्यादा डार्क नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मैं 4B एंड 2B पेंसिल का यूज करके उसको शेड करूंगा। अब वो जो कॉलर की शेडोज आ रही है शर्ट पे, उसको मैं 10B पेंसिल से शेड करूंगा। एंड जो भी अभी हमने शेड किया है उसको प्रॉपरली अभी ब्लेंड कर लेंगे। पहले तो मैं बड़े साइज के ड्राई ब्रश का यूज करके इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगा, उसके बाद छोटे साइज का ब्रश लूंगा एंड जितने भी क्रीजेस है शर्ट पे उनको मैं शेड करूंगा। इसके वजह से जो क्रीजेस है वो डार्क लगेंगे एंड जो बाकी का एरिया है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा। अब ब्रश से ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं टिश्यू पेपर लूंगा एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगा। इससे आपको अच्छा सा स्मूथ सा सरफेस मिलेगा। जब भी आप टिश्यू पेपर का यूज करें तो मेक श्योर कि आप उसको सर्कुलर मोशन में यूज करें। इसके वजह से जितने भी पैचेस है वो आपको पेपर पे नहीं दिखेंगे एंड अच्छा एक स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा। एंड जहाँ लग रहा है कि डार्कनेस कम है वहाँ पे मैं 4B से शेड करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। पूरे ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अभी हम हाइलाइट्स ऐड करेंगे और इसके लिए मैं टॉम्बो मोनो का यूज करके जितने भी छोटे छोटे हाइलाइट्स है वो दूंगा। सो बस ऐसे ही आपको पूरा स्केच को ड्रॉ कर लेना है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग। बाय बाय गाइज़।